कांग्रेस को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रदेश के सभी बड़े नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो सरकार ने इन 5 वर्षों में जो काम किया है उस पर लोगों का भरोसा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, चाहे SC हो, ST हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबके लिए सरकार ने काम किया है। फिर भरोसा सम्मेलन, इसके पहले प्रियंका जी जगदलपुर आई थी और उसके पहले सरगांव में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और इस भरोसे के सम्मेलन में सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति है उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हम लोग काम नहीं किए हैं। और करीब 450 करोड़ से अधिक की राशि की भूमि पूजन और लोकार्पण भी वहाँ किया जाएगा। ये भरोसे के सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कह रहे हैं कि जनता से भरोसा जो है उठ गया है। भरोसा 2018 में इनका उनके खिलाफ उठा था और अभी पिछले लगातार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए या नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया है और अब आगे भी कांग्रेस पर ही भरोसा जनता जताएगी, ऐसा विश्वास है। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर अब ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। अरुण साहब का कार्यकाल जो है 1 साल, अरुण साहब का कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया है, बुलडोजर वालों की संज्ञा उन्हें दी जा रही है और आज जो है उनका स्वागत भी बुलडोजर से किया जा रहा है। अच्छी बात है, 1 साल पूरा हुआ अरुण साहब जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न ब्रिजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है उसे चालू करा लेते, जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साहू जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा है कि भाजपा का लक्ष्य परिवार को नष्ट करना है, भारत एक परिवार है और वो इसे विभाजित करना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है, हमारा भारत देश एक परिवार की तरह है जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और सब एक साथ प्रेम से भाईचारा के साथ रहते हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी विश्व मन करके लोगों के बीच में हिंसा घृणा फैलाना चाहते हैं, तो ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में राहुल जी ने कहा। धर्मजीत सिंह आज जो BJP प्रवेश कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंडरिया और जगतपुर से लड़ सकते हैं, वहां पर दोनों जगह पे कांग्रेस के विधायक हैं। अब ऐसा है कि इसका मतलब ये कि धर्मजीत जी को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा, उनको पता हो गया है कि अब लोरमी में उसकी हालत ठीक नहीं है, दूसरे सीटों की तरफ जा रहे हैं। और धर्मजीत जी अब वैसे भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद जोगी कांग्रेस में गए, अब जोगी कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, तो अपना बुढ़ापा ही खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।